और इसी नोट की वजह से आज एक दुकानदार बर्बाद होने से बच गए। इसमें ये इतना ड्रग्स लेता है, ये बाकी होटल में इतनी अयासी करता है, ये पकड़ा गया एक नोट के सहारे। तो आप भी सतर्क रहे, कहीं आपके लाइफ में भी ऐसा नोट तो नहीं। जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के किशोरगंज में पहुंची है, जहां पर एक चोरी और डकैती का मामला सामने आया है। ये कोई चोर नहीं है, ये तो अपना ही स्टाफ है जो डुप्लीकेट चाबी बनवाकर पीछे के दरवाजे से घुसता था और डेली 15,000 से 20,000 रुपए निकालता था। आइए इसका चेहरा हम आपको दिखाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि इस चोर को आपने पकड़ा कैसे, ये आपके हाथ कैसे लगा और ये है कौन? ये लड़का तो हमारा स्टाफ है जो हमारे दुकान में काम करता है, और ये चोरी कर रहा था लगभग नवंबर दिसंबर से, दिवाली से हमारे यहाँ काम कर रहा था, और काम करते करते ये सारा कुछ समझ गया, यहाँ का सिस्टम कैसे है क्या है सब कुछ समझ गया, और उसके बाद ये दिसंबर से हमारे यहाँ काम कर रहा था, नवंबर दिसंबर से ये चोरी कर रहा था हमारे यहाँ से। ये पकड़ा गया मुझे 2 या 3 तारीख को ये पकड़ा गया है जी। ये चोरी ये पकड़ा गया एक नोट के सहारे, और नोट मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक नोट है जिसमें एक छेद है। मैंने इस नोट को देखा था 1 तारीख को ये नोट को मैंने देखा था कि ये किसी ने मुझे दे दिया, ये कहाँ चलेगा, तो मैं क्या किया, इसे 50,000 की गड्डी में इसे घुसा दिया। 50,000 की गड्डी में जब घुसाया तो फिर रहा था वहाँ पे, बट इसने क्या किया, 3 तारीख को फ्राइडे के दिन इसने मुझे बोला कि भैया ये नोट बैंक में डलेगा क्या आपका। तो हम बोले ये नोट तुम्हारे पास कैसे आया, तो इसने बोला कि ये तो मेरे मकान मालिक दिया था, पेटीएम के थे, उसने मुझे दिया था। बोले चलो ठीक है, ये नोट सेम मेरे पास है। बोला भैया देख लीजिए आपके पास होगा। जब मैंने देखा कि ये नोट उस गड्डी में था ही नहीं, जो बंडल मैंने काउंट किया तो बंडल 34,000 रुपये का था, 50,000 का बंडल 34,000 हो गया था, अमाउंट कम, बंडल का ये नोट गायब। उससे पूछे, बोला आप कैमरा देख लीजिए। तो ये जब चोरी करता था तो मैं जब जाता हूँ रात में तो ये डिस्प्ले को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो इसलिए लगता था कि भैया सीसीटीवी कर देते हैं बंद। तो ये किया चोरी, तो मैं इसके हिसाब से मैं देखा, शटर उठाने से शटर गिराने तक मैं देखता था, मेरा हिसाब पहले भी गड़बड़ होता था, तो मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करता था शटर उठाने से लेकर शटर गिराने तक, तो मुझे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो उस दिन तो पूरा डाउट हो गया मुझे 110% कि हुआ तो है, और प्लस ये बंदा के हाथ में ये नोट आया है, ये नोट तो मैंने जान के रखा था उसमें, क्योंकि ये बैंक में मुझे दे के ये मेरा सलट जाए ये सोच के मैंने दिया था। तो दिन भर मैंने चेक किया तो उसमें नहीं मिला, बट ये जब मैं शटर गिराने के बाद जब चेक करना शुरू किया तो ये तो बंदा लगातार दुकान में एंट्री ले रहा है एकदम बॉस के टाइप से, और गल्ला से पैसा आराम से निकाल रहा है, अयासी कर रहा है, 40,000 का मोबाइल, 1-1.5 लाख का गाड़ी, मुझे ऑफ़र करता होंडा सिटी कार बेचिएगा अपना हम लेंगे आपका, ऐसा ऐसा काम कर रहा था। हम भी सोचे कहाँ से पैसा लाता है, पहले जूता 41,000 रुपये का जूता है उसका, एक जूता पहनता है 41,000 का जूता है, 5,000-6,000 का जूता नॉर्मल है उसके लिए। तो मैं सोचे कहाँ से लाता है, ये बोला कि मैं लाता हूँ शेयर मार्केट से करता हूँ, करता होगा चलो ठीक है। लेकिन ये जो पकड़ा गया है उसके बाद जब इसका मोबाइल जब्त किए हैं तो इसके मोबाइल के से ऐसा ऐसा चीज़ निकला है कि वो देख के हमारा दिमाग सुन हो गया। इसमें ये इतना ड्रग्स लेता है, ये बाकी होटल में इतनी अयासी करता है बाल गर्ल के साथ, हर चीज़ ये देखिए ये यहाँ पे ये ड्रग्स ले रहा है, और बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे ऐसे हैं जहाँ ड्रग्स के ढेर सारे फ़ोटो हैं जो इसके हाथ में ब्राउन शुगर के, ये देखिए ये इस टाइप के, ये सारा पैसा हमारा दुकान का 15 से, वो तो अनुमान हम मान रहे हैं कि चलो इतना इतना निकाल रहा है तो लमसम, क्योंकि वो तो बिजनेस में कर रहा, बाद में तो एहसास हो ही जा रहा है कि हमारा लायबिलिटी बढ़ गया है, अब पैसा कहाँ गया मालूम नहीं, तो उससे मालूम चल रहा है 15 लाख से प्लस पैसा गायब हुआ है 110%। वो 20 लाख गया है, 25 लाख गया है, उसका कोई डाउट कन्फर्म नहीं है, 15 लाख तो श्योर है। अगला कदम यही होगा कि इनके साथ ये जो ड्रग्स मामले में, तो पैसा चोरी ये तो सुधरने का सुधर जाता, लेकिन ड्रग्स मामले में जो है ये झारखंड में ऐसा ऐसा काम हो रहा है, और प्रशासन कहाँ सोई हुई है, उन्हें मालूम नहीं है ये सब चीज़ हो रहा है, तो कम से कम वो जाएंगे अब
बाकी तो आपका डूब गया, उसके बाद तो कोई आने का आपको पैसा नहीं, अब आएगा तो पैसा तो गया सर, तो कल भी कमा लेंगे, पैसा तो कल भी कमा लेंगे, लेकिन इस हमने ये मैं फ्राइडे को इसे पकड़ा हूँ, आज आपका ट्यूसडे है ना, राइट ट्यूसडे है, ट्यूसडे तक मैंने इसको पूरा कोशिश किया कि तू सुधर जा, इसे घर वाले को बोला कुछ देख लो, कुछ तो कर लो, घर वाला बोला कि इसे गोली मार के लाश मेरे हवाले कर दी, लेकिन अभी लड़का को नहीं चाहिए, तो जब कोई है ही नहीं इसके आगे पीछे तो इसे करना क्या, इसे अगर छोड़ूंगा तो ये बहुत बड़ा कांड कर देगा कल का डेट में, ये हमारा झारखंड के लिए कलंक बन जाएगा, और इसके साथ कितने लोग मिले हुए हैं वो तो एनसीबी वाले जानेंगे, एनसीबी को ये खबर चली गई है, एनसीबी वाले शाम तक भी आएंगे, इन्हें जो करना होगा करेंगे। प्रशासन को हमने फ्राइडे को खबर कर दी है कैसी सी बातें हैं, बाकी वो बोले कि एक बार बात कर लीजिए गार्जियन से, प्रशासन ये रात की बात है, रात को हमने प्रशासन को दे दिया है, प्रशासन आज आएंगे, आज जो कार्रवाई करनी है रात तक वो करेंगे, प्रशासन को हमने लिख कर दिया है, बोला कि उसे गार्जियन ये रहने वाला बिहार का है तो उसे बिहार से गार्जियन को आने में समय लगा है, तो आज बातचीत हुई तो उन्हें गार्जियन बोला कि नहीं, तो बोले अब तो हवाला करना हो तो आज जाके हवाला कर देंगे उससे, तो मैं उसे अपने गिरफ्त में रखा हूँ क्योंकि भाग उग नहीं सके वैसे। मैं रितेश कुमार, बिहार में हमारे साथ। तो देखिए मेरे हाथ में आप एक नोट देख रहे हैं, इसमें डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन कितना सुंदर है और कितनी अच्छे से इसकी चोरी की गई थी, और इसी नोट की वजह से आज एक दुकानदार बर्बाद होने से बच गया। तो आप भी सतर्क रहे, कहीं आपके लाइफ में भी ऐसा नोट तो नहीं। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।